दिल्ली को वॉल्ड सिटी भी कहा जाता है। वॉल्ड सिटी मतलब दीवारों के अंदर बना हुआ शहर। पर यह सब कुछ बदल गया जब 1857 का गदर हुआ। नमस्कार, पर्पल बूट के एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कश्मीरी गेट। बड़ी फेमस मार्केट है, सभी दिल्ली वालों को पता है, पर क्या किसी ने कश्मीरी गेट देखा है? चलिए देखिए। जी हाँ, शाहजहां के द्वारा बनाया गया अप्रोक्सीमेटली 1638 के अंदर कश्मीर जाने का रास्ता यहां से था। लाल किले का एक पार्ट था कश्मीरी गेट, और उसके अंदर ही सारा दिल्ली शहर बसा हुआ था। बट 1857 के गदर के बाद ये सारी चीजें बदल गई। अंग्रेज पहले कश्मीरी गेट के अंदर ही रहा करते थे। जब गदर हुआ तो इस गेट का बहुत बड़े पोर्शन के ऊपर जब क्रांतिकारी थे उन्होंने अटैक किया और कुछ हद तक उसको डिस्ट्रॉय भी किया। आज भी इसके निशान मिल जाएंगे। अंग्रेजों ने ये बैटल कम से कम 2 दिन चली थी, उन्होंने रोका था। उसके बाद जब गदर खत्म हो गया तो अंग्रेजों ने अपनी कॉलोनी सिविल लाइंस एरिया में उन्होंने स्थापित कर लिया अपने आप को शहर से बाहर। दिल्ली 14 गेटों के अंदर थी, तो 14 में से एक गेट ये भी था। ये कुछ पोर्शन ही उसका बचा हुआ है, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के साथ ही। नजर आ रहा है ये वही तोप के गोलों के निशान है आज भी, जो कि 1857 के समय के हैं। अंदर कॉलोनी अंग्रेजों की थी और बाहर से हिंदुस्तानी हमारे क्रांतिकारी ने इस गेट के ऊपर अटैक किया था। ये वो निशान आज भी देखे जा सकते हैं। रोंगटे खड़े करने वाली चीज है 1857 और आज चल रहा है 2018। आप ये कह सकते हैं कि 150-200 साल के करीब आज भी निशान था। ये स्ट्रक्चर था शहर का उस समय। दीवारें गेट आपको नजर आ रहा है। सामने अब मेट्रो स्टेशन बन गया है। आज से 200 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था क्या होगा। ये पत्थर उसी समय का है जिसपे जब ये अटैक हुआ और ये निशान पड़े। बाद में जब म्यूटिनी खत्म हुई ये पत्थर और उसको जो खरोच मारी हुई, ये भी उसी समय ही जो क्रांतिकारी लोग थे या हिंदुस्तानी थे उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय थोड़ा सा किया था। इसमें पूरी डिटेल दे रखी है कि कौन कौन लोगों के साथ कौन कौन हताहत हुए, कौन लोग मरे इस गेट को बचाने की लड़ाई में। तो पर्पल बूट की यही है राय, मनोरंजन वही जो काम आए।